থেকে সকল জেনে শুভ শান্তির অকৃত্রিম আনন্দকে সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া, হারিয়ে যাওয়া সেই দিন সকলের বর্ষে সেদিন কলেজ থানা পুজো কমিটির এবারের নিবেদন আনন্দ বর্ষে এবারে নিবেদন আনন্দ মেলা দর্শনার্থীদের জানাই শুভ শারদীয় আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না, জল মাথা এই ধরনের কোন রকম উপসর্গ হলে সত্তর আপনার কাছাকাছি কোন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন, নিজে বাঁচুন এবং অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করুন। এবারে নিবেদন প্রতিমা বেঙ্গল শিল্পালয় যে আনন্দ পাখির গানে, যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর গানে। দুর্গাপুজো মানে বাঙালির কাছে শুধু আনন্দ আর আনন্দ, কবির ভাষায় আনন্দ ধারা বসেছে প্রবণে। ছোট থেকে বড়
আজ থেকে আসি শহরের মনির প্রাণে আমাদের প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়াল। বন্ধুদের সাথে তিনি বন্ধুকে দু পয়সার ক্যাশ ফাটাল। বাবার সাইকেলের পেছনে বসে হাতে বেলুন নিয়ে সুতারে চেপে ঘুরে বেড়াল। এই সকল অনুভূতিগুলোই এখন আমাদের কাছে অতীত। আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার মেল বন্ধনে সেই ফিরে আসা অতীত স্মৃতিকে আমরা এবারে আবার দেখতে পাবো ছেলেগুলি কদিন সামনে কত কথা আরম্ভ হয়ে तो जैसा कि आपने देखा हम पूजा परिक्रमा के दौरान आ पहुंचे सिलीगुड़ी के कॉलेज पारा में। यहाँ पे हमारे साथ कई पूजा पंडाल घूमने आए दर्शक मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे दुर्गा पूजा कितना खास है इस बार उनके लिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। नमस्कार। इस बार का पूजा बहुत ही अच्छा है क्योंकि सिलीगुड़ी में पूजा और बहुत अच्छा हो रहा है इस बार का पूजा। और ऐसे कितना पूजा पंडाल अभी तक घूम चुके हैं? अभी तक 4 पूजा पंडाल घूम चुके हैं। कब से घूमना स्टार्ट किए? 6 बजे से। मतलब आज पहला दिन है आपका पूजा? आज पहला दिन है। बहुत सारा जैसे कि चंपासड़ी में प्रोग्राम हो रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, फिर जो बागा ज्योतिन पार्क में था वो बागा ज्योतिन ये में क्लब में पूजा हो रहा है, उसमें भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वो अटेंड करके हम लोग अभी ये सिलीगुड़ी कॉलेज का ये में। तो जैसा कि दुर्गा पूजा 10 दिनों का होता है तो आज तो केवल 5वां दिन है, और कितने दिन आपका पूजा घूमने का प्रोग्राम है? पूजा घूमने का प्रोग्राम है जैसे कि हम लोगों का घर सिलीगुड़ी में नहीं है, लाटागुड़ी में है, तो हम लोग इधर सप्तमी अष्टमी घूमेंगे, फिर नवमी में घर जाएंगे, घर जाके फिर हमारा लाटागुड़ी में जो पूजा होगा वो अटेंड करेंगे, फिर मोइनागुड़ी है वो भी जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और दर्शक मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनको कैसा लग रहा है इस बार पूजा पंडाल। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार। नाम? वर्षा सिंह। कितना खास है इस बार का दुर्गा पूजा पंडाल? बहुत खास है क्योंकि हम लोगों का प्लान है हर दिन घूमेंगे और बहुत सारे मस्ती करेंगे और बहुत घूमेंगे ऐसा है। पिछले साल से इस बार ज़्यादा पूजा पंडाल अच्छे लग रहे हैं? हाँ, पिछले साल से इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग तो आज से शुरू किया है, दशमी तक हर दिन घूमेंगे। कितना पूजा पंडाल घूमे और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा अभी तक? 4-5 तो घूम लिया है पर अच्छा लग रहा है, सभी अच्छा लग रहा है। बागा ज्योतिन का जो है वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है कॉलेज पारा के जो यहाँ पे पूजा कमेटी है उनके सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास थीम है इस बार। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम तनु सिन्हा, मैं संपादक हूँ कॉलेज पारा पूजा कमेटी का। इस बार क्या कुछ खास थीम है कॉलेज पारा पूजा पंडाल में? इस बार हमारा जो थीम है उसका नाम है आनंद मेला। चलिए, बचपन में हम लोग जो गाँव में मेला देखते थे, मेला में जाते थे, वो मेला में कोई चीज़ बिकता था और आजकल वो मोबाइल का युग में वो नहीं है। जैसे कि पूजा शंखा निकलता था बंगल में पूजा का पहले, वो आजकल नहीं निकलता है, सब मोबाइल में ही देख लेता है। मेला में बेटा आपका पिता के साथ साइकिल में जाते थे, स्कूटर में जाते थे, यहाँ पे सब हम लोग वही एटमोसफियर जो मेला में मिलता है, जाने का जो सिचुएशन है वही हम उसको दिखाने का कोशिश किया। पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना खास है ये पूजा पंडाल, दर्शकों को कितना कुछ इसमें संदेश दिया जा रहा है? देखिए, पिछले साल का एक तरह का संदेश था हमारा, इस बार वो भी पुराना दिन का जो याद है स्थिति है जो हम लोग बचपन में देखा था, हमारा पिताजी का हम लोग भी बिताया वो मेला, आजकल नहीं दिखता है, वही आजकल का जो बच्चा है वो लोग ये चीज़ नहीं देखा। जैसे कि पहले बंदूक में पूजा में घूमते थे बंदूक लेके, छोटा छोटा बंदूक कैप फटाने के लिए, वो आजकल नहीं दिखाई देता, वही हम रखा है इधर उनको दिखा। जैसा कि आज दुर्गा पूजा का 5वां दिन है तो आज भी पंडाल में काफ़ी भीड़ है, और इससे पहले भी कितने दिनों से यहाँ पे पंडाल में भीड़ लगना शुरुआत हो चुका है? देखिए, अभी आज कल चतुर्थी था, कल ही हमारा ओपनिंग किया था गौतम देव मेयर साहब, तो कल से हमारा यहाँ आना जाना शुरू हो गया, भीड़ ज़्यादा हो गया, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, कल तो और भी होगा, धीरे धीरे जितने दिन आएगा उतना ही भीड़ रहेगा। और हर साल कलेश पारा पूजा कमेटी देखने के लिए सब आता है,
कोशिश करते हैं हम लोग उन लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए, शायद अच्छा होता है इसलिए वो लोग आता है। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम सिलीगुड़ी का जो दर्शक है उनको, आपका जो दर्शक है उनको बोलना चाहता हूँ, आप कलशपारा पूजा कमेटी में आइए, आनंद लीजिए, मजा लीजिए, अच्छा लगेगा। हम लोग ऐसे ऐसे कुछ चीज़ रखा है यहाँ पे जो आप लोग आज का जनरेशन को देखा नहीं, जो पुराना जो बुजुर्ग है वो लोग देख के ये स्थिति धारण करेगा। जो हम लोग सामने आप देखिएगा थोड़ा स्कूटी रखा है, जैसे 1962 का एक, 1968 का, और वो भी राजदूत, और रिक्शा भी हमें कलकत्ता से मंगाया, वो भी यहाँ का लोग इतना ज़्यादा देखा नहीं। आइए दर्शकों को सिलीगुड़ी कलशपारा पूजा कमेटी में, आनंद आएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा पूजा परिक्रमा के दौरान हम आ पहुँचे सिलीगुड़ी के कॉलेज पारा में। यहाँ के क्लब के सदस्य से हमने बात की, दर्शकों से बात की, कितना खास है इस बार दुर्गा पूजा वो हमने जाना। ऐसे ही अन्य कई पंडालों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अन्य कई पंडालों में क्या कुछ तैयारियाँ हैं, कितना खास बनाया गया है इस बार दुर्गा माँ का पंडाल, कितनी खास और कितनी आकर्षक है दुर्गा माँ की प्रतिमा, सभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव में। धन्यवाद। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। শিলিগুড়ির 35 বছর পুরনো বিশ্বস্ত নাম হিমালয়ান কেন ফার্নিচার। আকর্ষণীয় কেন ফার্নিচারের সাথে সাথে আপনি পেয়ে যাবেন একটি কমপ্লিট সলিউশন আপনার বাড়ি, অফিস, হোটেল, স্কুল কিংবা আউটডোর ফার্নিচারের জন্য। ক্রিস্টাল, কার্লন, সোফা ওয়ার্ল্ড, টাটা স্টিল, ফেদার লাইট এবং অবসেশনস এর মতন অনেক নামি দামি ব্র্যান্ডের সাথে পেয়ে যাবেন, তাও আবার 0% সুদ মুক্ত ইএমআই এর সুবিধার সাথে। পুজোর আগে কেনাকাটির সাথে পেয়ে যাবেন পুজো স্পেশাল অফার। হিমালয়ান কেন ফার্নিচার, ফার্নিচারের সাথেই ফার্নিশিং এর জন্য আজই আসুন হিমালয়ান কেন ফার্নিচার, হিলকাট রোড, বিশ্বদীপ সিনেমার পাশে, শিলিগুড়ি। रंगीन राजस्थान आपका सफर हमारी गर्व। स्वागत है राजस्थान में। राजस्थान भारत का शीश महल, यहाँ की विरासत, संस्कृति, कहानियाँ एक अद्भुत सफर। उदयपुर की जलपरी, जैसलमेर के सैंड ड्यून्स और जयपुर की शान हर कोना है अद्भुत, और रसीलो खाना की मिठास हर किसी को मोह लेती है। यहाँ की महल और किले एक ऐतिहासिक दास्तान की तरह है। थर के रेगिस्तान में सैर करना ये एक सपनों की तरह अनुभव है। राजस्थान जहाँ एक नया सफर हर रूप। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पूजा परिक्रमा में। हम आप पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के कॉलेज पारा में। जैसा कि इस बार एक और खास थीम लेकर यहाँ पे मौजूद है क्लब सदस्य, क्या कुछ खास पंडाल की तैयारी यहाँ पे की गई है, क्या कुछ खास सजावट है, क्या थीम को इस बार सोचकर इस बार पंडाल को तैयार किया गया है, सभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम क्लब के सदस्य से बात करेंगे, जानेंगे थीम क्या कुछ खास है। तो चलिए पंडाल के अंदर चलते हैं, देखते हैं सीधी तस्वीरें।